हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक प्रेशर के बारे में। अब आप लोगों ने बैक प्रेशर करके ये वर्ड तो जरूर सुना होगा जब भी बुलेट का टॉपिक आता है तब। तो बैक प्रेशर क्या होता है? अब बैक प्रेशर अपने नाम से ही बताता है कि जो प्रेशर है वो बैक साइड से आ रहा है या फिर जो प्रेशर है वो रिवर्स साइड से आ रहा है। तो गाइस ये बैक प्रेशर अगर मैं बुलेट के बारे में बात करूँ तो यूजुअली देखने को मिलता है कीक में या फिर जो एग्जॉस्ट होता है उसमें। बिकॉज आपने तो सुना ही होगा कि बुलेट की जो कीक है वो बार बार बैक आती है। तो गाइस ये बैक आती है बैक प्रेशर की वजह से। और दूसरा होता है एग्जॉस्ट में बैक प्रेशर। तो ये जो कीक का बैक प्रेशर जो होता है उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो जिसमें मैं बताऊंगा कि बुलेट की जो कीक है ये बैक क्यों आती है या फिर आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो एग्जॉस्ट का जो बैक प्रेशर होता है उसके बारे में, कि एग्जॉस्ट में बैक प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो बैक प्रेशर है एग्जॉस्ट का, ये मोस्टली जो है आपका जो कंपनी फिटेड स्टॉक एग्जॉस्ट आता है उसी में देखने को मिलता है। जो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट जो होते हैं या फिर जो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट करके जो मार्केट में आते हैं उनमें बैक प्रेशर नहीं देखने को मिलता है। तो आपकी बाइक का जो पिस्टन होता है वो जब भी अपने जो इंजन में के गैसेस बाहर निकालने का ट्राई करता है तो वहाँ पर एक एयर फ्लो क्रिएट होता है। हम उसे गैस फ्लो भी कह सकते हैं या फिर एयर फ्लो भी कह सकते हैं। तो गाइस ये जब भी एयर फ्लो क्रिएट होता है और पिस्टन जब भी ये गैसेस एग्जॉस्ट पाइप में से बाहर निकालने को ट्राई करता है तो जो आपके एग्जॉस्ट में जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो जो ये एयर फ्लो है उसे वो अपोज करते हैं। तो गाइस इसी की वजह से क्या होता है कि जो फ्लो होता है एयर फ्लो वो रिवर्स साइड में चले जाता है, मतलब जिस साइड से इंजन से जो एयर फ्लो आ रहा होता है उसी साइड में वापस से पुश हो जाता है। तो गाइस इसे कहते हैं बैक प्रेशर। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि जो भी साइलेंसर्स में फिल्टर्स लगे हैं उन्हीं साइलेंसर्स में बैक प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आप ऑफ मार्केट कोई साइलेंसर यूज कर रहे हो तो उस साइलेंसर में बैक प्रेशर जनरेट नहीं होगा बिकॉज उसमें कोई फिल्टर नहीं होगा जो कि ये एयर फ्लो को अपोज कर सके। तो गाइस ये जब भी बैक प्रेशर होता है तो क्या होता है कि जो अनबर्न फ्यूल जो होता है जो एग्जॉस्ट में से बाहर निकलने वाला होता है वो फ्यूल फिर से इंजन में चले जाता है और वहाँ पर कंबशन चेंबर में फिर से थोड़ी देर के लिए जलता है। अब उससे क्या होता है कि आपको बाइक में एवरेज ज़्यादा मिलता है बट आपका जो पिकअप होता है बाइक का वो आपका कम हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि जो आपका पिस्टन है उसे बार बार जो अनबर्न फ्यूल है वो जलाना पड़ रहा है, उसकी वजह से पिस्टन में प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से आपका बाइक का परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा लो हो जाता है बट आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। तो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो ऑफ मार्केट जो एग्जॉस्ट होते हैं जिसे हम परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट कहते हैं उनमें एक तो फिल्टर्स होते ही नहीं है या फिर एक या दो फिल्टर्स होते हैं जो कि नाम के लिए होते हैं। तो गाइस उन साइलेंसर्स में बैक प्रेशर जनरेट नहीं होता है, आपका जो पिस्टन जो गैसेस बाहर निकलता है वो फ्री फ्लो बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस तो जरूर मिलता है बट उसकी वजह से आपकी बाइक ज़्यादा पोल्यूशन करती है जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब इस बैक प्रेशर का फ़ायदा क्या है? तो गाइस जैसे कि मैं बता रहा था कि आपका जो अनबर्न फ्यूल है वो थोड़ी देर के लिए और कंबशन चेंबर में जलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो बाइक है वो पोल्यूशन थोड़ा कम करती है एज कम्पेयर टू दी ऑफ मार्केट एग्जॉस्ट। तो गाइस ये तो हो गए बैक प्रेशर के फायदे। अगर इसके नुकसान के बारे में मैं बताऊँ तो आपको एक ही नुकसान है कि आपके जो बाइक का परफॉर्मेंस है जो आपके बाइक का पिकअप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है उसके वजह से, बट अगर आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हो तो थोड़ा सा पिकअप कम होने में मुझे तो नहीं लगता कि कोई नुकसान है। तो गाइज मैं इसीलिए मेरे वीडियोस में हमेशा स्टॉक एग्जॉस्ट यूज़ करने की राय देता हूँ बिकॉज जो ऑफ मार्केट एग्जॉस्ट जो होते हैं उनमें फिल्टर्स नहीं होने के कारण वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दूसरी चीज़ है कि वो नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। गाइज ऑफ मार्केट में कुछ अलग टाइप के भी एग्जॉस्ट आते हैं जो कि होते हैं सिरेमिक वूल या फिर ग्लास वूल। उन एग्जॉस्ट में क्या होता है कि एक पतला सा ऐसा एक वुलन मटेरियल जो होता है वो उनमें अंदर से लिपटा होता है, जिसकी वजह से आपके जो इंजन के जो गैसेस बाहर जा रहे हैं वो थोड़े से तो फिल्टर होते बट देन अगेन वो पूरी तरीके से उन्हें रोक नहीं पाता है। तो गाइज अगर आपको ऑफ मार्केट एग्जॉस्ट यूज करने ही है तो आप इंदौरी एग्जॉस्ट ले सकते हो बिकॉज इंदौरी ही एक एग्जॉस्ट है जिसमें आपको फिल्टर्स मिलेंगे। अगर आप दिल्ली एग्जॉस्ट लोगे या फिर अगर आप स्मॉल बॉटल या बिग बॉटल पंजाब जो एग्जॉस्ट होता है वो लोगे तो इनमें कोई भी फिल्टर का यूज़ नहीं किया गया है, वो एक सीधा सीधा पाइप होता है जो आप एग्जॉस्ट पाइप को अटैच करोगे, उसकी वजह से आपको साउंड तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा बट उससे क्या होगा कि आप इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान करोगे। दूसरी चीज़ आप साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करोगे जिसकी वजह से जो सड़क पर बाकी के लोग जो बाइक्स चला रहे उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।